नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी पर। तो दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप समाप्त हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था। वहां खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप पर कब्जा कर लिया है। और फीफा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, तो शुरू से अंत तक आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो का भी मजा लें। और एक रजिस्टर पेन आपके पास हो तो वह ले लें, उसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नोट करते चलें। सबसे पहले हम देखते हैं, ये इमेज देखिएगा आप, ये इमेज देखिए आप, इसमें क्या कर रहे हैं, लियोनेल मेसी ट्रॉफी को चूम रहे हैं। यह है जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो सीन है, इसको पाने के लिए लगातार सालों की मेहनत। 2014 में अर्जेंटीना फाइनल हारा था, उसके बाद 8 साल के इंतजार के बाद आप 6-8 महीने में थक जाते हैं कि पढ़ाई करके क्या होगा, लेकिन जब आपका लक्ष्य सटीक होना तो उसके बाद जो पाने का मजा होता है ना, वो अलग ही मजा होता है। आप इस फोटो में फील कर सकते हैं कि कितनी खुशी मिलती है एक खिलाड़ी को जो उसका लक्ष्य है उसको पाने के लिए। इन सब चीज़ों को अपन सोचते हैं, लेकिन साथ में एक नई शुरुआत करते हैं। फीफा का हम फुल फॉर्म देखेंगे, तो फीफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। आपको फीफा का फुल फॉर्म याद हो जाएगा, फीफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी फ्रांस में पेरिस शहर में, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वह है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का एक शहर है। सीधा क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। स्विट्जरलैंड, अगर देश का नाम आए तो स्विट्जरलैंड और शहर का नाम आए तो ज्यूरिख, ठीक है, ये याद रहेगा। स्थापना कहाँ हुई, फ्रांस में हुई। इसके बाद हम बात करेंगे वर्तमान प्रमुख कौन है फीफा के, तो जियानी इन्फेंटिनो। आप नाम लिख लें एक बार अपने हाथ से, जिससे याद हो जाएगा, जियानी इन्फेंटिनो फीफा के हेड हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 2022 जो फीफा कतर में हुआ उसका शुभंकर क्या है, तो उसका शुभंकर है लाइव। उसका शुभंकर है लाइव। लाइव एक अरबी शब्द है, उसका जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है एक कुशल खिलाड़ी, सुपर स्किल्ड प्लेयर उसका मतलब होता है। किसका मतलब, लाइव। आप लाइव देखिए, लाइव कैसा लिखा है, सेम टू सेम एग्जाम में आएगा। शुभंकर क्या है, लाइव, लाइट, फाइट, साइट, तो आपको लाइव लगाना है, आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। शुभंकर क्या है, लाइव। अब हम चलते हैं आगे, इसके बाद बात करूं, देखिए आप, फीफा वर्ल्ड कप कब से शुरुआत हुई इसकी, फीफा की स्थापना कब हुई, 1904 में, और फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई, 1930 से। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि 1930 से फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। यह किस देश में पहली बार खेला गया, तो दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे में यह पहली बार खेला गया, और उसका विजेता भी कौन बना, उरुग्वे। उरुग्वे ने किसको हराया, अर्जेंटीना को, तो विजेता 1930 में अर्जेंटीना रही जबकि विजेता था उरुग्वे। अब मैं बात करता हूँ, सीधा आता हूँ 2018 के फीफा वर्ल्ड कप पर। बीच के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर करंट का, उससे पहले का और उससे बाद का ज़्यादा पूछते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 2018 फीफा वर्ल्ड कप की। इसकी संख्या नंबर थी 21वा। कौन से नंबर का था, 21वा। 2018 में इसका आयोजन हुआ था किस देश में, रूस में, और इसको जीता था फ्रांस ने, और किसको हराकर, क्रोएशिया को हराकर। 2018 फीफा वर्ल्ड कप का विनर कौन था या विजेता कौन था, तो फ्रांस था, ठीक है, वो विजेता आए तो क्रोएशिया था। अब बात करते हैं 22वां संस्करण। सीधा क्वेश्चन आएगा देखो एग्जाम में कि 22वां संस्करण कहाँ हुआ, तो आपको याद होना चाहिए कि अभी जो 2022 में खेला गया फीफा वर्ल्ड कप है उसका संस्करण था 22वां। तो 22वां संस्करण 2022 कहाँ खेला गया, कतर में। कतर कहाँ है, एशिया में कंट्री है कतर। उसका जो विजेता है वो है अर्जेंटीना, और उसका जो उपविजेता है वो है फ्रांस, आपको याद रखना है। ये सब क्लियर हो गया, 2022 का विजेता कौन है, अर्जेंटीना, उपविजेता कौन है, फ्रांस। इसके बाद मैं बात करूं 23वां, तो 23वें की मेजबानी दे दी गई है। आप देखेंगे विश्व का मैप, उत्तरी अमेरिका में जो 3 देश ऊपर से नीचे तक हैं, कनाडा, USA और मेक्सिको, तो इन तीनों देशों में आयोजन होगा फीफा वर्ल्ड कप 23वें फीफा का, जो कि सन 2026 में खेला जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि फीफा इतने 22 संस्करण का आयोजन हो गया है, सबसे ज़्यादा बार कौन जीता, तो सबसे ज़्यादा बार जीती है ब्राज़ील। ध्यान रखना, ब्राज़ील कितनी बार जीती है, 5 बार ब्राज़ील फीफा वर्ल्ड कप को जीत चुकी है। इटली और जर्मनी भी 4-4 बार जीत चुके हैं। वर्तमान का जो चैंपियन है वह कौन है, अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना 3 बार फुटबॉल विश्व कप जीत चुकी है। आपको सन याद रखने हैं 1978, 1986 और 2022, ये 3 सन याद रखने हैं, 1978, 1976 और
1978, 1986 और 2022। इसके अलावा कोई भी सन आ जाए एग्जाम में, अर्जेंटीना कप, फुटबॉल विश्व कप नहीं जीता तो ये तीन सन आपको याद होंगे, चौथा आप अपने आप लगा दोगे। तो 1978, 1986 और 2022 में अर्जेंटीना विजेता रहा, तीन बार अर्जेंटीना ने इसको जीता है। अब बात करते हैं इस बार कितनी टीमों ने भाग लिया, तो इस बार 32 टीमों ने भाग लिया है, ये आपको याद रखना है। पिछली बार भी 32 टीमों ने भाग लिया था। 2026 में फीफा ने निश्चित किया है कि अब हम फुटबॉल को विश्व प्रसारित करने के लिए 32 की जगह 48 टीमों को उतारेंगे। तो 2026 में कितनी टीमें भाग लेंगी, 48 टीमें फीफा विश्व कप में भाग लेंगी। अभी कितनी टीमों ने भाग लिया है, 32 टीमों ने भाग लिया है, ये आपको ये सब चीज़ें याद रखना है। कौन विजेता था, कौन उपविजेता, आप अपने हाथ से लिखेंगे एक बार तो आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे, बात करते हैं प्रमुख खिलाड़ियों की। तो देखिए विश्व कप में जिन जिन खिलाड़ियों ने गोल किए, जिन जिन खिलाड़ियों को अवार्ड मिले, तो वो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो जाते हैं। तो आपको 10-12 खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल, उनको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में देखो सीधा क्वेश्चन आता है, एक नंबर, दो नंबर, जितने भी नंबर मिलेंगे सीधे मिल जाएंगे। नहीं आप दूसरे का मुंह देखोगे, यार उसको तो पता था मुझे पता नहीं है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। देखो इधर सबसे पहले मैं बात करूँ लियोनल मेसी। लियोनल मेसी किस देश से संबंधित हैं, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के कप्तान कौन है, लियोनल मेसी, इन्हीं की कप्तानी में 2022 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। उसके बाद बात करूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल। उसके बाद नेमार जूनियर, इनका नाम है नेमार डा डिसिल्वा, इनको जूनियर भी कहते हैं, अकेला नेमार भी आ जाए तो आप ब्राज़ील लगाया देना। उसके बाद है काइलियन एम्बाबे। काइलियन एम्बाबे फ्रांस के बहुत महत्वपूर्ण स्ट्राइकर हैं, जिनको 2022 फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड मिला है, वो हम बाद में देखेंगे। कालियन एम्बापे का नाम याद रखना, फ्रांस के हैं। उसके बाद अब बात करते हैं पेले की। पेले हैं ब्राज़ील के, इनको ब्लैक पल यानी काला मोती भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक पल किसे कहा जाता है, पेले को। पेले का संबंध किस देश से है, ब्राज़ील से। ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई। उसके बाद हैं हैरी केन। हैरी केन है इंग्लैंड के कप्तान, ठीक है। हैरी केन का संबंध किस देश से है, इंग्लैंड से। किस खेल से है, फुटबॉल से। पिछली बार 2019 में एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, जो रूट का संबंध किस देश से है, तो आपको याद होना चाहिए था इंग्लैंड से है। तो आप बार बार पढ़ेंगे हैरी केन का संबंध किससे है, इंग्लैंड से। गेम क्या हो गया, फुटबॉल। अगला बात करूं एंटोनियो ग्रीज़मैन। एंटोनियो ग्रीज़मैन फ्रांस के प्रमुख स्ट्राइकर हैं, ठीक है। एंटोनियो ग्रीज़मैन का संबंध किस देश से है, फ्रांस से। उसके बाद बात करूं जूनियर अल्वारेज। जूनियर अल्वारेज अर्जेंटीना के प्रमुख खिलाड़ी हैं, जूनियर अल्वारेज अर्जेंटीना। उसके बाद सुनील छेत्री। भारत में फुटबॉल होती है, बिल्कुल होती है। भारत फीफा में, भारत जो टीम है उसने आज तक फीफा वर्ल्ड कप में कभी भी क्वालिफाई नहीं किया है, कभी भी फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीता है। क्योंकि मैं बात करूं, देखिए टॉप 32 टीमें खेलती हैं और भारत की फिलहाल रैंक है 106। 200 से ज़्यादा गेम फुटबॉल खेलते हैं, उसमें भारत की रैंक है 106, तो फीफा वर्ल्ड कप में भारत क्वालिफाई आज तक नहीं किया है। लेकिन आपको खिलाड़ी प्रमुख हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है, सुनील छेत्री, भारत के हैं। दूसरा नाम है मनीषा कल्याण, 3 स्टार लगा लीजिए इस पे। देखिए मनीषा कल्याण, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन मनीषा कल्याण को दिया है। तो मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से। किस देश से है, भारत से। और लास्ट है ह्यूगो लॉरिस। ह्यूगो लॉरिस हैं फ्रांस के कप्तान, फ्रांस उपविजेता रही, तो किसकी कप्तानी में खेली थी, ह्यूगो लॉरिस की कप्तानी में खेली थी फ्रांस, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, एक बार आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा इसका, ठीक है। लियोनल मेसी अर्जेंटीना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आप महत्वपूर्ण शब्दावली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्दावली। देखिए सबसे पहले गोलकीपर याद रहेगा, डिफेंडर, मिडफील्डर, अटैकर, सब्स्टिट्यूट, प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करना। एक प्लेयर बाहर जाता है, थक जाता है या चोट लग जाती है, तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर आता है, सब्स्टिट्यूट कहलाता है। फाउल, जब जो देखिए आप फुटबॉल का ये जो मैदान है, देखिए ये गोल और ये गोल, ये जो फुटबॉल का मैदान है, फुटबॉल के मैदान का जो खेल वाला क्षेत्र है, इससे बाहर गेंद चली जाए ना, तो इसको क्या बोलते हैं, फाउल, ठीक है। और मैं बात करूं, देखना आप अगर ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई पूछ ले तो भी टेंशन नहीं लेना। ग्राउंड की लंबाई देखिए आप, 105 मीटर लंबा होता है, कितना, 105 मीटर लंबा। और ऐसे में बात करूं तो ऐसे में होता है 68 मीटर, तो 105 × 68 ये इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है ग्राउंड की, याद रखना फुटबॉल का। और फुटबॉल बॉल का वो वजन पूछ ले तो 410 से 450 ग्राम के बीच में फुटबॉल बॉल का वजन होता है, आपको याद रखना है। बुकिंग देखिए, बुकिंग बहुत महत्वपूर्ण। बुकिंग देखो फुटबॉल में क्या होता है, जब कोई खिलाड़ी भिड़ जाता है या कोई किसी को ज़बरदस्ती गिरा देता है, समझ रहे हो, तो बुकिंग मतलब होता है जब कोई रेफरी किसी खिलाड़ी को येलो कार्ड
देखिए येलो कार्ड मैं बताता हूँ, येलो कार्ड और रेड कार्ड, रेफरी जेब में येलो कार्ड और रेड कार्ड रखे घूमता है, लेकिन अगर उसकी जेब से येलो कार्ड निकला तो वो किसी ना किसी प्लेयर को मिलेगा ही मिलेगा, वरना वो जेब से येलो कार्ड नहीं निकालता। तो येलो कार्ड की बुकिंग होती है, रेड कार्ड की बुकिंग होती है। कोई प्लेयर जा रहा है, कोई प्लेयर आगे आके उसको गिरा दिया, तो फिर क्या उसको येलो कार्ड मतलब बॉन्डिंग मिल जाती है, येलो कार्ड मिल जाता है, वह सस्पेंशन नहीं होता, सिर्फ येलो कार्ड में बॉन्डिंग रहती है कि आप अच्छे से खेलें। रेड कार्ड में प्लेयर को पूरे मैच से बाहर होना पड़ता है, इसलिए ऐसे नियम बने हैं कि आपको किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि खेल में नहीं करना है। येलो कार्ड और रेड कार्ड की बुकिंग होती है, इंजरी टाइम होता है, कोई प्लेयर बाहर, कोई प्लेयर को चोट लग जाती है तो घड़ी चलती रहती है, बाद में इंजरी टाइम मेन टाइम में जुड़ जाता है। वो इंजरी टाइम, एक्स्ट्रा साइड, ऑफ साइड, महत्वपूर्ण शब्दावली, स्कोर, गोल, पेनल्टी, शूट आउट, आपने देखा, आपने फाइनल देखा हो या कोई भी मैच देखा हो, देखिए आप 90 मिनट 45 मिनट के दो हाफ मिलते हैं फुटबॉल में, लेकिन जब पूरे टाइम तक, फुल टाइम तक कोई गोल नहीं होता या ड्रॉ ड्रॉ पे रहें, दो दो पे रहें, तीन तीन पे रहें, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है खेलने के लिए। एक्स्ट्रा टाइम में भी बराबर रहें तो फिर क्या होगा, तो फिर पेनल्टी शूट आउट से गेम का डिसीजन होता है, जैसा कि फाइनल में हुआ। पाँच प्लेयर एक टीम के पेनल्टी करते हैं, विरोधी के भी करते हैं, जिसके ज़्यादा होते हैं वह विजेता घोषित हो जाता है। फ्री किक, उसके बाद कॉर्नर, रेड कार्ड, ब्लाइंड साइड, हेडर। देखिए हेडर क्या होता है, बॉल को सिर से मारना हेडर कहलाता है, हेड से बना है हेडर, ठीक है, हेडर फुटबॉल में ही होता है। ड्रिबल, देखिए ड्रिबल आप देखेंगे, देखिए फुटबॉल मैदान में, ये फुटबॉल का मैदान है, यहाँ से लियोनल मेसी के पास गेंद है, वह विरोधियों को छकाते हुए गोल तक गेंद ले जाता है, तो जो गेंद के साथ करता है ना उसको बोलते हैं, जो प्रोसेस होती है उसको ड्रिबलिंग बोलते हैं, ड्रिबलिंग ऑफ बॉल। तो ड्रिबल शब्द किससे संबंधित है, फुटबॉल से, बाइसिकल किक, प्लेयर उल्टा होकर किक मार देता है तो उसको बाइसिकल किक बोलते हैं। सेंटर स्पॉट, मिडफील्ड में कहा जाता है, मिडलाइन के आसपास खेलना सेंटर पर, वन टच पास, किसी प्लेयर को अपन ने बॉल पास की, एक टच के बाद उसने किसी और को पास कर दी, वन टच पास। टैकल पास मतलब अपने साथ गेंद लेके आगे बढ़ जाए, टैकल पास। और येलो कार्ड आप समझ ही चुके हैं कि बॉन्डिंग कार्ड येलो कार्ड होता है। ये महत्वपूर्ण शब्दावली है जो कि फुटबॉल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए हमने फीफा देख लिया कि इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल का एसोसिएशन है, तो क्या भारत लेवल पर भी फुटबॉल का एसोसिएशन है? तो जी हाँ, भारत लेवल पर फुटबॉल का एसोसिएशन है, उसका नाम है AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। उसकी स्थापना कब हुई, 23 जून 1937 को हुई, लेकिन फीफा ने मान्यता 1948 में दी। जैसा क्वेश्चन आए वैसा आप लगा दीजिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई, 1937 में, और फीफा ने मान्यता दी 1948 में। भारत स्वतंत्र होने के अगले साल फीफा ने मान्यता दे दी थी 1948 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। प्रमुख की बात करूँ तो कल्याण चौबे, अभी हाल ही में इसके जो चुनाव हुए हैं अध्यक्ष के, तो उसमें कल्याण चौबे को विजय प्राप्त हुई, तो कल्याण चौबे प्रमुख हैं और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये सब चीज़ें आपको याद हो गई। प्रमुख खिलाड़ी कौन है, सुनील छेत्री और कल्याण, वो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, आगे देखिए आप फुटबॉल की प्रमुख ट्रॉफी देखिए, ये है इंटरनेशनल ट्रॉफी। कैसी ट्रॉफी, इंटरनेशनल ट्रॉफी, और ये है भारत की ट्रॉफी। देखिए इंटरनेशनल ट्रॉफी में सबसे बड़ी ट्रॉफी कौन सी है, फीफा विश्व कप। उसके बाद अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, अफ्रीका महाद्वीप में होती है। यूरोपियन चैंपियनशिप होती है, कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिका की प्रमुख ट्रॉफी है। इसके बाद ला लीगा ट्रॉफी होती है। तो ये पांच ट्रॉफी का आपको नाम याद रखना है, फीफा वर्ल्ड कप, अफ्रीकन कप ऑफ नेशन, यूरोपियन चैंपियनशिप, कोपा अमेरिका और ला लीगा ट्रॉफी, ये सब याद रखना है। भारत की ट्रॉफी की बात करूँ तो डूरंड कप, सुपर कप, संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी बहुत ज़्यादा पूछी गई है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से, इंडियन सुपर लीग, ISL भी बोला जाता है। अगर ISL लिखा जाए ना तो भी घबराना नहीं है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन सुपर लीग। जैसा क्रिकेट में IPL होता है ना, टीम अलग अलग टीमें होती हैं, अलग अलग खिलाड़ियों को खरीदती हैं, ऐसा ही फुटबॉल में होता है इंडियन सुपर लीग। कलिंगा कप और सुब्रतो कप, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। सुब्रतो कप, कलिंगा कप, इंडियन सुपर लीग, संतोष ट्रॉफी, सुपर कप, डूरंड कप भारत की प्रमुख फुटबॉल ट्रॉफी हैं। 2022 में देखिए महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं, फीफा वर्ल्ड कप तो आ सकता है, ध्यान रखिएगा, आप अपने हाथ से लिखते जाइएगा। इसके बाद मैं बात करूँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की जो 2022 से संबंधित हैं, तो सबसे पहले आप देखिए इधर, भारत में अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया है। किसका आयोजन किया गया है, फीफा अंडर 17 वुमेन, ठीक है, ये कहाँ किया गया, भारत में। लेकिन एक चीज याद रखना, 1, 2 और 3 उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र, ये तीन राज्यों में अंडर 17 वुमेन विश्व कप खेला गया, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र। इसके अलावा चौथा राज्य कोई सा भी आ जाए तो आप लगा आना कि नहीं हुआ। ये तीनों राज्य आपको याद रखने हैं, उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र में अंडर 17 फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ। इसका जो शुभंकर्ता होता है ईबा,
युवा। युवा देखिए फीफा ने क्यों रखा युवा, युवा एक कौन है, एशियन सेननी है। कौन है? एशियन सेननी। देखिए जब महिलाओं की बात हो रही तो सेननी की बात होगी। एक एशियाई सेननी कौन है? युवा। एक शुभंकर रखा गया था। इनका मतलब ये था कि महिला सशक्तिकरण की ओर हमें कदम बढ़ाना है। सबसे ज़्यादा देखिए आप महिलाएं के पास जो क्षमता है उनको, क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रेरित करने के लिए युवा को शुभंकर रखा गया। उसके बाद में बात करूँ तो फीफा के द्वारा भारत में एक फुटबॉल फॉर स्कूल 700 से ज़्यादा जिलों में, जो भारत के ज़िले हैं 700 से ज़्यादा, उन सब में फीफा के द्वारा फुटबॉल फॉर स्कूल पहल का शुभारंभ किया गया। और याद रखना फीफा के साथ इसमें यूनेस्को भी जुड़ा हुआ है। यूनेस्को और फीफा ये दोनों मिला के फुटबॉल फॉर स्कूल भारत में एक पहल की शुरुआत की है, जिससे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसमें हमने स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है। तो उसको सक्सेस बनाने के लिए फुटबॉल फॉर स्कूल मिशन की शुरुआत किसने की? फीफा और यूनेस्को ने मिलकर भारत में की। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि 2022 फीफा विश्व कप में किस किस को कौन कौन सा अवार्ड मिला। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भारत के खेल मंत्री कौन है, आप जरूर बताइएगा भारत के खेल मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद देखो वो जो ट्रॉफी जो कल फाइनल हुआ 18 दिसंबर को जो फाइनल हुआ उसमें ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? तो दीपिका पादुकोण। ठीक है, इसमें किसने किया ट्रॉफी का अनावरण फाइनल दिन, क्योंकि फाइनल के पहले ही ट्रॉफी खुली जाती है जिससे कि फाइनल के दिन जिसको मिलना होगी मिल जाएगी। तो जो ट्रॉफी है उसका अनावरण किसने किया? दीपिका पादुकोण, पहली अभिनेत्री हैं भारत की, दीपिका पादुकोण। और उसके साथ नाम लिख लेना इकरा कैसुलिस। ठीक है, दीपिका पादुकोण इकरा कैसुलिस ये दोनों नाम याद रखने हैं। इनका संबंध है स्पेन से। आपको दीपिका पादुकोण तो नाम याद हो जाएगा, लेकिन अगर आगे आके ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? दीपिका पादुकोण प्लस लियोनल मेसी, दीपिका पादुकोण लियोनार्डो रोनाल्डो, दीपिका पादुकोण किसी और जिनेदिन जिदान, तो किसी का भी नाम आ जाए तो आप इसके साथ इकरा कैसिलिस का नाम याद रखना। स्पेन के पूर्व गोलकीपर हैं तो आपको इनका नाम याद रखना है। इन्होंने ट्रॉफी का अनावरण किया था। ठीक है, और महत्वपूर्ण जल्दी जल्दी देख लीजिएगा कि किसने जीता। देखिए आप, ट्रॉफी जीती अर्जेंटीना ने। सेकंड स्थान पर कौन रहा? फ्रांस। जब फ्रांस को हराएंगे तो सेकंड नंबर पर कौन है? फ्रांस। थर्ड नंबर पर है क्रोएशिया, जो कि 2018 फीफा विश्व कप की कौन है? उपविजेता है। वो इस बार थर्ड पोजीशन पे रही, पिछली बार सेकंड पे थी, इस बार थर्ड पर है। और फोर्थ है मोरक्को। मोरक्को के बारे में याद रखना, अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जिसने फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। मोरक्को आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूँ गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है, तो गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बापे को मिला है। अगर आपसे पूछा जाए फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले को कौन सा अवार्ड मिलता है, तो गोल्डन बूट अवार्ड मिलता है। किसको मिला है? किलियन एम्बापे को मिला है। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। सबसे ज़्यादा 8 गोल किए हैं। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। किलियन एम्बापे का संबंध किस देश से है? फ्रांस से। किस खेल से है? फुटबॉल से। कितने गोल किए? 8। कौन सा अवार्ड मिला? गोल्डन बूट अवार्ड। ये सब चीज़ें बिल्कुल मुँह पर आपको याद होना चाहिए। ये मेरा लक्ष्य कि आपको याद हो जाना चाहिए। बात दूसरी करें गोल्डन बॉल अवार्ड। देखिए बॉल बिल्कुल भी मिक्स मत कर देना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। गोल्डन बूट पूछा है कि गोल्डन बॉल पूछा है? गोल्डन बॉल उसको मिलता है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है। ठीक है, तो फुटबॉल ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? लियोनल मेसी। तो गोल्डन बॉल अवार्ड जाता है, गोज टू लियोनल मेसी। अर्जेंटीना के कप्तान है लियोनल मेसी, याद रखना। बात करूँ गोल्डन ग्लव अवार्ड। गोल्डन ग्लव मतलब गोलकीपर को मिलने वाला अवार्ड। तो इमिलियानो मार्टिनेज ये भी अर्जेंटीना के हैं। इमिलियाना मार्टिनेज अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं। इन्हें बेस्ट गोलकीपर यानी गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है। ये देखिए आप, ये हैं अर्जेंटीना के गोलकीपर। ठीक है, ये हैं लियोनल मेसी, इनको क्या मिला है? गोल्डन बॉल। गोल्डन बूट किसको मिला है? किलियन एम्बापे फ्रांस को। और चौथे अवार्ड की बात करूँ तो देखिए आप, फीफा यंग प्लेयर। यंग प्लेयर मतलब सबसे कम उम्र में जिसने फाइनल खेला है वो जीता है, जो उभरता हुआ सितारा है। तो फीफा यंग प्लेयर अवार्ड मिला है एंजो फर्नांडिस को। किसको? एंजो फर्नांडिस को, जो कि मेसी के बाईं ओर खड़े हैं। ये हैं एंजो फर्नांडिस। मात्र उम्र है 21 साल की उम्र में इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और फाइनल जीता। किसी का सपना होता है, कोई 40-40 साल के हो जाते हैं फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। मात्र 21 वर्ष की उम्र में एंजो फर्नांडिस बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनको मिला है। ये चीज़ें सब कंप्लीट हो गई हैं फीफा से। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूँ फीफा का फुल फॉर्म, जल्दी बताइए फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना कब हुई? 1904 में। कहाँ हुई? पेरिस फ्रांस में। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में। बहुत बढ़िया सुनील छेत्री,
का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है, ठीक है। एम्बापे का संबंध किस देश से है, फ्रांस से है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।